तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा बहुत प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको सीधे ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड और यहाँ की खूबसूरत वादियों में। प्रकृति का स्वरूप अत्यंत रमणीक होता है, इसमें नदियाँ, वन, पर्वत, आकाश, समुद्र सभी सुंदर लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सुषमा ज़्यादा मनोहरणी होती है। प्रकृति के विभिन्न स्वरूप पर्वतों पर दिखाई देते हैं, एक के साथ एक जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर बने हुए पथरीले रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहीं मजबूत चट्टानें होती हैं तो कहीं कमजोर चट्टानें भी देखने को मिलती हैं, तो कहीं सुदूर समतल क्षेत्र दिखाई देते हैं, मैदानी बुग्याल दिखाई देते हैं। इन्हीं बुग्यालों और चट्टानों पर सीढ़ीनुमा खेत बने होते हैं, इनमें उगे हुए हरे भरे पौधे और भी सुंदर लगते हैं। पर्वत पर घने जंगल होते हैं जिन्हें बुग्याल कहते हैं। इन जंगलों में अनेक जड़ी बूटियां, औषधियां, सुंदर फल फूल एवं पुष्प दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। बुग्यालों में हमें हरी घास और हरी घास के आसपास घने जंगल देखने को मिलते हैं। ये जो बुग्याल काफ़ी ऊंचे स्थानों पर होते हैं और हिमालय पर्वत के बिल्कुल निचले स्तर पर होते हैं, काफ़ी मैदानी क्षेत्रों की तरह मिलते जुलते हैं। इन्हीं बुग्यालों में हमें विभिन्न प्रकार के पालतू जानवर और जंगली जानवर भी एक साथ देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित है और अद्भुत है। चमोली जिले के ये खूबसूरत बैतनी बुग्याल विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षियाँ भी देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी अपने आप में आश्चर्यजनक है। इन्हीं बुग्यालों में हमें चीड़, देवदार, सोराई, बुरांस, बांस आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी देखने को मिले और इन वृक्षों के आसपास हमें विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ भी देखने को मिली जो कि काफ़ी अद्भुत था। यहाँ की जो जीवन शैली है वो काफ़ी जटिल नज़र आई, काफ़ी चुनौतियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्ष भर में आने वाली हर ऋतु का यहाँ के लोगों को डटकर मुकाबला करना पड़ता है। यहाँ चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच में भी जीवन काफ़ी सुंदर नज़र आता है। बैतनी बुग्याल के इन सुंदर क्षेत्रों में ब्रह्म कमल का पुष्प भी हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ के बुग्यालों को, इन बुग्यालों में बसे खूबसूरत वनों को, यहाँ रहने वाले पालतू जानवर और जंगली जानवरों को देखने के लिए प्रतिवर्ष भारी तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं। इन्हीं बुग्यालों में हमें विभिन्न प्रकार के पानी के स्रोत, जलाशय, नदियाँ, छोटी छोटी झील जैसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ घूमने आने का, प्रकृति को अनुभव करने का, प्रकृति से जुड़ने का एक अलग ही अनुभव है, अद्भुत अनुभव है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।